अगली खबर आगरा से है, जहां ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोलकर रख दिया है। करीब 20 सालों में एक ही व्यक्ति ग्राम प्रधान है, लेकिन अब जनता ग्राम प्रधान से ये सवाल पूछ रही है कि आखिरकार विकास गांव में क्यों नहीं कराया गया है। गांव के खड़ंजे टूटे पड़े हैं, तालाब में गंदगी के ढेर हैं, तो वहीं गाँव में जलभराव की समस्या बनी हुई है। इस पूरे मामले पर उप जिलाधिकारी फतेहाबाद का कहना है कि मामला संज्ञान में आ चुका है और जांच कर जल्द ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जाएगा। मेरे संज्ञान में आया है कि वहाँ साफ सफाई की समस्या है, गलियों में पानी का भराव रहता है, तो इसकी जांच कराई जाएगी और जो संबंधित विभाग हैं उनसे इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई कराई जाएगी। ये समस्या आज पहली बार ही मेरी जानकारी में आई है, तो वन बाय वन इन सभी समस्याओं पे ध्यान दे के इनका निस्तारण कराया जाएगा। जहाँ में यही समस्या है, न तो जो नाले की कभी सफाई हो, हमारे घर में पानी बचता है, बच्चा गिरते हैं, हम बूढ़े बूढ़े गिरते हैं, हमारे कई पर गोड़ टूट का पलटता चढ़वा करो है। जहाँ में है गई 40 वर्ष से, तो मैं भी आए गई, मैंने तो ऐसा ही देखा हुआ। हाँ हाँ हाँ, रोज न्योका देता है कि मैं बच्चन बेचूँ का घर बेचूंगा, तो तब कराऊंगो, नहीं तो कभी राशन बनवावे नहीं, कार्ड बनवावे नहीं, दुनिया राशन खा रही है। 40 वर्ष है गई, हम आए आएंगे तो कब ना खुदो। समस्या ये है कि देखो पानी की रास्ता ही नहीं है, पानी पड़ते ही हम पूरा गांव डूबेगा, बच्चों की दिक्कत है, गड्ढे वड्ढे में चले जाएं तो, और पहले मरगट पे भी रास्ता नहीं है, गांव में सब जगह लेडीज हैं, बच्चे हैं, सब परेशान हैं। यहाँ पे यहाँ सगाई समस्या खराब हुआ, ये देखो पोखरी की, नाले ने की, खरंजन की, मरगट्टी ने की, कोई बराबर जगह नहीं, पोए धूपे पशु ने को सगरी तकलीफ है। यहाँ ये समस्या कितने साल से है? ये 40 समस्या है गई। हाँ 40 समस्या। विकास कार्यों की शुरुआत गांव से होती है, लेकिन आज उसी गांव में हम मौजूद हैं। इस समय मैं मौजूद हूं जनपद आगरा के विकास खंड शमशाबाद गढ़ी मोहनलाल गांव में। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये गांव है। सांसद बदल गए, विधायक बदल गए, यहां पर ग्राम प्रधान बदले, लेकिन नहीं बदली तो इस गांव की सूरत। तमाम लोग यहां पर मौजूद है, इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार इन लोगों की समस्या यहां पर क्या। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। ये बताइए गांव में क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है, यहाँ पर नाली है, खरंजे हैं, पतवारी माता का मंदिर है उसके लिए रास्ता भी नहीं है, पोखर में जो महिलाएं जाती है वो पोखर में होके जाती है, वो घूरे में होके निकल के है, खाद कूड़ा ये डला हुआ है, न कूड़े की न उसकी समस्या है, मरगट है वहाँ पे जो बहुत सारे गड्ढे हो रहे हैं, वहाँ पे चिता जलाने के लिए भी वहाँ पे जगह नहीं है। अच्छा बाबूजी, ये कह रहे हैं मरगट की गाँव में समस्या है, कितनी साल से समस्या है मरगट की? मरगटी तो बहुत दिन से है, अब दे तो रहे हैं। हाँ कम दे गई 40 वर्ष है चुकी। हाँ सब मट्टी उठ गया, ये गड्ढा हो गया है और जनाने के काज ठोर ही ना आया। तो गांव में ग्रामीण बता रहे हैं कि मरगट की समस्या, ये बताइए कि सबसे बड़ा कारण क्या है, गांव में विकास कार्य क्यों नहीं हो पा रहे? ये तो यहाँ के जो लोग हैं कई बार कहते भी हैं माननीय प्रधान जी से, तो वो ये कहते हैं कि ये लोग बताते हैं कि अपने खेत बेच दूंगा तब करवाऊंगा, तो वो ना तो खेत बेच रहे ना अपनी निधि से करवा रहे, जो नरकी जीवन जी रहे हैं वो बेचारे जनता नरकी जीवन जी रही है, उसे यही भोग रही है। आपने कभी ग्राम प्रधान से इसके बारे में शिकायत की गांव में विकास कार्य नहीं हो पा रहे? अरे साहब खूब गई है, यानी कि वो तो जो कहता है अपने खेत बेच दो, कौन क्या बेचूं, जाओ कराऊं, और फिर भी अपने सबको टाल देता है वो। कितनी समस्या होती है रास्तों पर निकलने में? समस्या तो बहुत यानी खराब है पूरी, लड़का जाते हैं फिर भी वो गिर जाते हैं उसमें, हाँ अपने तरफ महिला भी कर जाते हैं गोबर ओवर लेके, उसमें समस्या कोई हल नहीं कर रहा है वो। अच्छा ये बताइए कि छोटे बच्चे जब रास्तों से स्कूल जाते हैं तो कितनी समस्या होती है? बहुत ज्यादा समस्या होती है, यहाँ पर बच्चे गिरते हैं यहाँ पर, और जो है सबसे बड़ी बात यह है, जैसे प्रधान का चुनाव होता है तो प्रधान जब आता है, यहाँ प्रधान रहता ही नहीं है तो उसको क्या पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, प्रधान जब रहा रहेगा तो लोग उसे जाएंगे, वो रहता है राजपुर, यहाँ है ही नहीं प्रधान, प्रधान अगर होगा तो उनसे जाके शिकायत करेंगे, वहाँ जाते हैं और एक दो लोग वहाँ से भगा देता है वो। अच्छा क्या प्रधान जी गांव में नहीं बैठते हैं? नहीं तो बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं यहाँ रहते ही नहीं है, बैठते से चुनाव हुआ है जब से प्रधान देखा ही नहीं हमने, यहाँ पर गांव जीतने के बाद लौटे ही नहीं गांव में, तो यहाँ रहते ही नहीं है वो, या तो यहाँ की उनको तो यहाँ की नागरिकता ही खत्म कर देनी चाहिए सरकार को अपने। बिल्कुल, ये पीछे की तस्वीरें भी एक बार आपको दिखा देते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो रास्ता ये टूटा पड़ हुआ है, ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि कई सालों से यहाँ पर विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि